चित्रकूट बरगढ़ प्राथमिक विद्यालय, पातेरी हेल्थ कैंप, एनईडी की स्क्रीनिंग पातेरी प्राथमिक विद्यालय में की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तरफ से आए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी द्वारा एनईडी की स्क्रीनिंग प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाकर किया जा रहा है। वहां पर स्वास्थ्य केंद्र सुनील कुमार द्वारा बताया गया, 30 साल से लेकर मीडियम 60 साल तक के चेकअप किए जा रहे हैं। जब रिपोर्टर मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार द्वारा जानकारी की गई तो सुनील कुमार शर्मा जी द्वारा बताया गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी को हर्निया या शुगर है, यह बीमारियों का चेकअप किया जा रहा है। गांव की महिलाओं में मौजूद रही आरती देवी, कुसुमा संध्या, प्रयाग एक्सप्रेस टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल मऊ, दिनेश कुमार द्विवेदी, कैमरामैन कोरे लाल, रिपोर्टर राज जितेंद्र, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। क्या सुनील कुमार, सुनील ये जो नाम याद आए, क्या रिलेशन क्या है, सीरी का प्रोग्राम चल रहा है, डिबेट हो है, तो क्या है हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, सीरी कुमार सीरी प्रोग्राम है, उसमें क्या है जितने ग्राम में 30 साल से ऊपर के लोग हैं, 30 से अपना 60 70 80 जितने भी मतलब उनकी एज है, तो उसमें क्या है कि उनका बीपी शुगर कैंसर वगैरह का दिक्कत हो रही है, तो उसका हम इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों को। इसमें क्या होता है कि फैमिली फोल्डर होता है, सबसे पहले वो आशा के द्वारा भरा जाता है क्षेत्रों में, उसके बाद जैसे वो भर के हमें उसको देती है, उसके बाद हम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करने आ रहे हैं। हमारी पूरी जो 30 साल से ऊपर ये बीमारी का क्या है ज़्यादा खतरा रहता है, 30 साल से ऊपर वाले जो लोग कितने चेकअप हो चुके हैं, अब चेकअप हो चुके हैं सर, करीबन 25-30 के समझे है। हर्निया है, ब्लड प्रेशर है, बीपी है, टीबी है, कौन जो अगर बता रहे हैं, अगर वो दो है होते दो है, अगर फिर यह सब उसको दो है रिफर कर देते हैं, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, रेफर करते हैं उसको, वहाँ से क्या है माना सी एस सी में जो डॉक्टर साहब हैं वहाँ से उनको ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं, ट्रीटमेंट दिखाने के बाद में उनको फॉलोअप के लिए हम यहाँ से चेक करते हैं, आशा के द्वारा हम उनको बुलाते हैं, अगर कोई आने का सिस्टम नहीं हो पाता है तो उनके घर पर दवाओं का उन सभी की जाँच की जा रही है, जैसे कि आपके यहाँ पर हमको लग रहा है कि सही जाता है तो उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बताया जाता है, हमको जैसे खाने के रिगार्डिंग क्या खाना है क्या पीना है वो सारी चीजें, और हमको वहाँ से अगर सीएससी से ट्रीटमेंट कर दिया वो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, उसी के रिगार्डिंग उनके अनुसार सीएससी के अकॉर्डिंग वहाँ से दवा उनको लगातार पता चलता है। जैसे कि कृष्णा भाई ने बताया था, और इसको हम ये क्या है कि अभी आयुष्मान भारत के तहत में जो मोदी जी के द्वारा योजना चल रही है उसके रिगार्डिंग चल रहा है, लेकिन इसमें यह कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि जिसका आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसके रिगार्डिंग की जांच होगी, ये क्या है सभी के जो 30 साल से ऊपर के सभी लोग हैं उन सभी की जांच होगी। जी मेरा नाम आनंद शर्मा है, और यहाँ के जो हमारे साथ के सुनील शर्मा जी हैं जो इसी क्षेत्र में यहाँ दुर्गा केंद्र है वहाँ पर कार्य करते हैं, एक लोग पर क्या है कि इसमें साथ में पूरा सेटअप नहीं हो पाता है कि साथ में बीपी भी ले गाँव का काम करवाऊंगा और शुगर भी लें और रजिस्टर मेंटेन करें, तो दो लोग इकट्ठे होकर के इस तरह से हम जाँच करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो दादाजी इस क्षेत्र के जो गोल्डन कार्ड सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो सुनील शर्मा जी और इनसे बात करें।